नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। आज का हमारा जो अध्ययन कार्य होगा वह है पाठ आठ। यह है सबसे कठिन समय नहीं है। अगर इस पाठ को हम अभी वर्तमान में लेते हैं तो भी यह बात सार्थकता होती है कि हमारे सामने इतनी विपरीत परिस्थितियां आई हुई है, परंतु अगर हम अपने आप को यह समझाएं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, तो अपने आप जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो सरलता की ओर चली जाएगी। किसी भी चीज को सरल बनाने के लिए हमने जब इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था कि निराश मत हो, तो वहां पर भी एक आशावादी जो है दृष्टिकोण दिया गया। इस पाठ में जो जया जादवानी जो इसके लेखिका है वो यह बताना चाहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो सबसे कठिन समय, हम सब इन्हीं जो चीजें सीखते हैं वो हम हमारी प्रकृति से सीखते हैं। हमारी प्रकृति का जो भूमिका होती है, हमारी प्रकृति की, वो सबसे ज्यादा होती है। प्रकृति हमें सिखाती है कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहना चाहिए। जिस प्रकार से पशु पक्षी पेड़ पौधे बादल जो भी प्राकृतिक साधन होते हैं वो हमें हमेशा आशावादी दृष्टिकोण देती रहती है। तो प्रस्तुत पाठ जो है पाठ नंबर आठ, यह है सबसे कठिन समय नहीं, जया जादवानी के द्वारा लिखा गया है और इसमें जो है व्याख्या के सहित जो है इसका अनुवाद या प्रसंग जो है साथ में चला है। तो देखो, सबसे पहले नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है। तो देखो, पहले हम इन्हीं पंक्तियों का सबसे पहले ऊपर करते हैं, अर्थ करते हैं कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है, एक हाथ एक अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। तो देखिए, कितनी अच्छी पंक्तियों के द्वारा, जया जादवानी के द्वारा समझाया गया कि यह जो पद्यांश है वह जादवानी के द्वारा रचित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि आगे बढ़ने से पहले मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, कितनी भी मंजिल जो है हमें कठिन लग रही हो, परंतु हमें आगे बढ़ने से पहले जो है निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम कोशिश करेंगे तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं ना, करत करत सुजान के जड़मती होत सुजान, ट्राई ट्राई अगेन। हमें बार बार जो है कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं इसमें, जैसे चींटी का ही अगर खाना छूट गया तो भी वह कोशिश करती रहती है। तो इस प्रकार से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं उसमें कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है, तुम्हें क्या करना है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मन में संकोच नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से देखो, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, कि अभी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ान भरने हेतु तैयार है। आपने देखा होगा कि जो चिड़िया, मतलब जो पक्षी होते हैं जो घोंसला बनाते हैं, वो एक एक तिनके को ला ला कर, वो थकते नहीं है, अपने बच्चों के लिए वो कोशिश करते रहते हैं, उनके लिए घर बनाते हैं। तो एक एक तिनका, एक बार जाते हैं तिनका लाते हैं फिर घोंसले में, इस प्रकार से वह मेहनत करके प्रयास करके हार नहीं मानते, तो एक अपना नीड जो अपना घोंसला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि हे मनुष्य, अभी निराश मत हो, क्योंकि जिस प्रकार से अभी भी तो चिड़िया जो है वो तिनका दबाकर उड़ान भरने हेतु तैयार है, इसी प्रकार और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। आगे क्या कहते हैं कि जो झड़ती हुई पत्ती होती है, मतलब पानी से जो झड़ती हुई, उसकी बूंदों से झड़ती हुई पत्ती होती है, इस प्रकार इसी प्रकार वृक्ष से अंतिम पत्ती गिरते ही कोई हाथ उसे थामने के लिए तैयार है, अभी निराश मत हो। अर्थात मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कहा गया है,
यदि हम या यदि तुम लक्ष्य से, लेखिका कहती है अपनी पंक्तियों में, यदि तुम लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो गिरती पत्ती की भांति, जैसे वृक्ष से एक अंतिम पत्ती गिरती है, तो गिरती पत्ती की भांति सहारा देने के लिए अनुभवी लोगों के हाथ तैयार है जो तुम्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे से जो बड़े हैं, जो अनुभवी हैं, वो हमें आगे की राह दिखा सकते हैं। आगे देखो, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो कितनी सुंदर जया जानवानी के द्वारा, जो हमारी कवित्री, उनके द्वारा कहा गया कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अर्थात इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि रेलगाड़ी जो होती है वो निरंतर अपने मार्ग पर चलकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है, इस कारण अभी भी स्टेशन पर भीड़ है। हम सोचते हैं कि अगले स्टेशन पर भीड़ नहीं होगी, परंतु जिसको जहां जाना है वो तो जाएगा, और रेलगाड़ी जो है वो अपना काम करेगी, वो निरंतर चलेगी। तो स्टेशन पर भीड़ है और एक रेलगाड़ी यात्रियों को उनके गंतव्य तक, गंतव्य मतलब जहां उनको जाना है, जहां उनकी मंजिल है, गंतव्य तक पहुंचाने को तैयार खड़ी है। इस रेलगाड़ी से जाने वाले को वहां कोई इंतजार कर रहा है। इस रेलगाड़ी से जाने वाले, जब हम कहीं सफर करते हैं तो हमारा कोई ना कोई स्टेशन पर इंतजार कर रहा होता है, तो कोई इंतजार कर रहा है, अर्थात अपने प्रियजन की प्रतीक्षा में कोई बेचैन है, है ना। सोचते ना, हम अभी जैसे जाएंगे तो कोई सोचेगा कि हमारे मम्मी आ रही है, हमारे पापा आ रहे हैं, हमारे छोटे भाई बहन आ रहे हैं, हमारे प्रियजन आ रहे हैं, तो कोई बेचैन है। वह कह रहा है कि सूर्य जो है वो डूबने वाला है, इसलिए जल्दी से आ जाओ। सूरज डूबने की बात यहाँ पर क्यों कही गई है, क्योंकि व्यक्ति जो है उसके सुख दुख का ध्यान रखने वाले लोग अभी भी है, है ना। तो लोग कह रहे हैं कि सूरज डूबने वाला है, अर्थात अगर तकलीफ आती है तो भी उनका कोई ना कोई ध्यान रखने वाला है। तो इन पंक्तियों से ये कहा गया है, इसलिए इस वातावरण में निराश होने की आवश्यकता नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई हमें रास्ता दिखाने वाला जरूर है। अब मतलब इन दोनों पंक्तियों में ये कहा गया कि व्यक्ति को आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। आगे देखो, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो अब आगे देखो क्या कहा गया कि अभी कहा जाता है। तो यह जो पद्यांश है जया जादवानी द्वारा रचित कविता, यह सबसे कठिन समय नहीं से लिया गया है। कवित्री ने यहाँ बताया है कि यदि मनुष्य समय निकल जाने पर भी आशावान बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसे कभी निराशा नहीं होती। कई बार हमारी ट्रेन छूट जाती है तो हम कहते हैं ओह नो, ट्रेन तो छूट गई है, परंतु अगर हमारे अंदर पॉजिटिव थिंक होगी, हम आशावादी होंगे, तो हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ करके उस ट्रेन मतलब उस गंतव्य तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर अंतिम पंक्तियों में भी कवित्री यह कहना चाहती कि व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। अगर वह आशावादी दृष्टिकोण रखेगा तो वह कठिन से कठिन कार्य, जो कार्य हो नहीं रहा है, उसको भी सरल बना सकता है। तो देखिए अंतिम पंक्तियों में कवि जया जादवानी के द्वारा क्या कहा गया, उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो यहाँ पर यह कहा गया कि हमें यह नहीं सोच लेना चाहिए कि यह जो समय है वो कठिन समय है। बूढ़ी नानी अभी भी हम उस कथा का आखिरी हिस्सा किसी न किसी बहाने से जो है सुन रही हैं, है ना। जो नानियां दादियां होती हैं वो युगों से बच्चों को अपनी कहानियां सुनाती रही हैं। उसकी कहानी का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, अर्थात आखिरी जो हिस्सा है, वो अभी भी शेष रहता है।
अर्थात अभी तुम कहानी सुन सकते हो, यानी अपने लक्ष्य की ओर जो है बढ़ते हुए ही बढ़ सकते हो। यात्रियों का समाचार ला रही जो मुश्किलों से जूझते हुए भी सफलता प्राप्त कर आ रहे हैं, मतलब इन पंक्तियों का मतलब यह है कि मनुष्य को आशावान बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए रहना चाहिए। इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी सबसे कठिन समय नहीं है। तो अंतिम पंक्तियों में यही कहना चाहते हैं कि बूढ़ी नानी बूढ़ी दादी की जो कहानी है उनका जो अंश है अभी भी बाकी है, तो हमें उन कहानियों को सुनकर के अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। और अभी भी एक ऐसी बस है, मतलब एक ऐसी यात्रा गंतव्य स्थान पर पहुंचाने वाली है जो अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाती है। तो जब इतनी बड़ी बातें हो सकती है जया जादवानी के द्वारा जो ये पंक्तियां कही गई है, तो वास्तव में यह जो है यह सबसे कठिन समय नहीं है। हमें बस इन पंक्तियों से हमें यही सीखने को मिला है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा आशावादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। तो इसी आशा के साथ में मैं भी यह उम्मीद करती हूँ कि आप सभी विद्यार्थी अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। और आपका लक्ष्य है पढ़ना, आपका वर्क कंप्लीट करना, आपका कर्तव्य यही है, तो आप अपने लक्ष्य को अच्छे से जो है अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। तो आप लोगों को सबको समझ में आ ही गया होगा। धन्यवाद।